दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से आई चलते हैं बिहार की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। अगली खबर, बिहार के रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर होगी कोरोना जांच। बिहार में विमानों से कोरोना का खतरा बढ़ा है। बिहार के बाहर रहने वाले बिहार में कोरोना लेकर आ सकते हैं, ऐसे खतरे को लेकर केंद्र सरकार के बाद अब बिहार सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। विदेश के साथ देश के अन्य राज्यों से बिहार आने वाले की कोरोना जांच कराने को लेकर आदेश जारी किया गया। राजधानी पटना को पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रखा जा रहा है, क्योंकि यहां से बाहर से आने वालों की संख्या काफी अधिक है। कोरोना की जांच को लेकर पटना जंक्शन से लेकर पटना एयरपोर्ट पर टीम लगाई गई है। अगली खबर, जमुई में सांसद चिराग पासवान ने सीएम पर साधा निशाना। जमुई सांसद चिराग पासवान एक निजी कार्यक्रम के दौरान देर शाम चकाई पहुंचे। चकाई पहुंचने के बाद छपरा शराब हत्याकांड के बारे में कहा कि मरने वालों के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसे लेकर बिहार में सियासी बवाल मचा है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान के बाद बवाल और भी बढ़ गया, जिसमें नीतीश कुमार ने यह कहा था कि जो पिएगा वो मरेगा। चिराग पासवान ने कहा कि जो पिएगा वो मरेगा, पर जो पिलाएगा वो मौज करेगा। अलखर, नए साल यानी 2023 के जनवरी में चक्कर मैदान मुजफ्फरपुर में अग्निवीर बहाली की आखिरी चरण की प्रक्रिया होगी, यानी शारीरिक दक्षता एवं मेडिकल की जांच में सफल अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा की अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। इसमें मुजफ्फरपुर सेना भर्ती बोर्ड के अधीन मुजफ्फरपुर, बेतिया, मोतिहारी, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी के 3000 युवा शामिल होंगे। इसकी तैयारी में एआरओ मुजफ्फरपुर जुड़ गई है। अलखर, जहानाबाद के होटल में होने वाली भाभी से दुष्कर्म के बाद हत्या, शव को गाड़कर 10 किलो नमक से गलाया। जहानाबाद जिले के एक होटल में अपनी होने वाली भाभी से दुष्कर्म करने के बाद युवक ने 65 किलोमीटर दूर पटना जिले के जानीपुर थाना अंतर्गत गांजाचक गांव में सुनसान जगह पर शव को लाकर दफना दिया। इतना नहीं, आरोपित ने सांस छुपाने के इरादे से शव पर 10 किलोग्राम नमक भी छिड़क दिया, ताकि मांसपेशियां और हड्डियां जल्दी गल जाए। वारदात के 20 दिन के बाद अरवल जिले की पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपित विजेंद्र कुमार ने राज उगल दिया। अलखर, बिहार में नया उद्योग लगाने के लिए 10 से 50 लाख तक का मिलेगा ऋण। गया शहर के गांधी मैदान में लगाए गए खादी मेले में नए उद्यमियों को सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देने के लिए जिला उद्योग केंद्र के तत्वाधान में कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक वीरेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत बैंकों के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए 50 लाख रुपए तक की मदद दी जाती है, जबकि सर्विस सेक्टर की इकाई के लिए 20 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता का प्रावधान है। अलखर, लखीसराय के कजरा से हार्डकोर नक्सली श्री कोड़ा गिरफ्तार। राजघाट कोल में सर्च ऑपरेशन जारी। बिहार के लखीसराय पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। हार्डकोर नक्सली श्री कोड़ा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार श्री कोड़ा की निशानदेही पर नक्सल प्रभावित कजरा के राजघाट कोल में सर्च ऑपरेशन जारी है। काफी संख्या में नक्सलियों के जमावड़े की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की। अलखर, कोरोना वायरस को लेकर एक्टिव हुए तेजस्वी यादव। स्वास्थ्य विभाग की बैठक में बोले, बिहार है तैयार। देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट BF7 के केस मिलने के बाद बिहार सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गई है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि राज्य सरकार COVID-19 के मामलों में बढ़ोतरी की स्थिति उत्पन्न होने पर उसे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। तेजस्वी यादव ने अधिकारियों से कहा कि अगर कोरोना वायरस का नया स्वरूप का संक्रमण फैलता है तो उससे निपटने के लिए कमर कस लें। यह भी बताया कि अस्पताल पूरी तरह तैयार रखें। अलखर, बीपीएससी अभ्यर्थियों ने ली राहत की सार। 67वीं पीटी परीक्षा रद्द करने की याचिका को पटना हाईकोर्ट ने कर दिया खारिज। 67वीं बीपीएससी परीक्षा की पीटी परीक्षा पास अभ्यर्थियों ने राहत की सांस ली, क्योंकि इस परीक्षा को रद्द करने की याचिका पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। कई प्रश्नों के मॉडल उत्तरों में गलतियां की शिकायत करते हुए पीटी परीक्षा परिणाम के रद्द करने की मांग याचिका दायर की गई थी, लेकिन पटना हाईकोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। अलखर, बिहार के नए डीजीपी आर एस भट्टी ने जिम्मेदारी संभालने के साथ ही पुलिस व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम शुरू कर दिया है, जिसमें वह बीएसएफ में ड्यूटी के दौरान मिले अनुभव का भी पूरा इस्तेमाल कर रहे। उन्होंने न सिर्फ अपराध पर लगाम लगाने के लिए जिले के सभी पुलिस कप्तानों को जिम्मेदारी सौंपी है, इसके साथ ही पुलिस कर्मियों को चुस्त करने के साथ ड्रेसिंग में भी अनुशासन का पालन करने की कोशिश शुरू कर दी है। नए डीजीपी आर एस भट्टी ने अनुशासन लाने के लिए सभी पुलिस कर्मियों को सप्ताह में 2 दिन परेड कराने का टास्क दिया। फील्ड के साथ कार्यालय में बैठे अधिकारियों को भी परेड में शामिल होना होगा। अलखर, गरीबों को 5 किलो मुफ्त अनाज देने वाली योजना केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। गरीबों को आर्थिक रूप से उन्नत और हर घर राशन की पहल करते हुए केंद्र सरकार हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रही है। सितंबर 2022 में योजना खत्म हो रही थी, तो इसका विस्तार 31 दिसंबर 2022 तक कर दिया गया था। 31 दिसंबर को चंद दिन शेष है, ऐसे में योजना चलती रहेगी या बंद होगी, इसको लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही है। मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक होनी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यदि इसका विस्तार होगा तो इसका निर्णय शुक्रवार को हो जाएगा। अलखर, बिहार सरकार में ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने बड़ा दावा किया और कहा कि बिहार में इसी वर्ष अगस्त में एनडीए गठबंधन टूटने के पीछे का मुख्य कारण भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल एवं बिहार विधानसभा के तत्कालीन स्पीकर विजय कुमार सिन्हा है। बिजेंद्र यादव ने कहा कि डॉक्टर संजय जायसवाल एवं विजय कुमार सिन्हा के कारण बिहार में एनडीए गठबंधन टूट गया एवं अब यह दोनों नेता चिल्ला रहे। विजय कुमार सिन्हा तो नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री भी थे एवं उन्हें अपने कामकाज का रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाहिए।
अलीगढ़ 1767 अमीनों की बहाली का हुआ रास्ता साफ। पटना हाईकोर्ट ने अमीन बहाली के विज्ञापन को निरस्त कर नए सिरे से विज्ञापन प्रकाशित करने के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने पूर्व की एकलपीठ के फैसले को निरस्त कर दिया। न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार एवं न्यायमूर्ति नवनीत कुमार पांडे की खंडपीठ ने राज्य सरकार की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई की। हाईकोर्ट की खंडपीठ के द्वारा अमीन बहाली के लिए दिए गए आदेश में यह साफ कर दिया गया कि 1767 अमीनों की बहाली में 12वीं पास उम्मीदवार भी इस पद पर नियुक्ति के लिए योग्य माने जाएंगे। अलीगढ़ जहरीली शराब कांड के बाद बिहार सरकार का बड़ा फैसला। मध्य निषेध विभाग के कई पदों पर जल्द होगी बहाली। बिहार में जहरीली शराब कांड के बाद सरकार और प्रशासन सख्ते में है। सरकार के स्तर पर शराबबंदी कानून की समीक्षा हो रही है और मध्य निषेध विभाग भी कमियों को दूर करने में लग गया। इस बीच मध्य निषेध विभाग ने विभाग में रिक्त पड़े पदों को भरने का फैसला किया है। इसके लिए काम शुरू कर दिया गया है। मध्य निषेध विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक बिहार संविदा पर पदाधिकारियों को बहाल करेगा। मध्य निषेध निरीक्षक, अवध निरीक्षक एवं सहायक निरीक्षक के खाली भरे पदों पर संविदा के आधार पर एक वर्ष के लिए नियोजन किया जाएगा। अलीगढ़ बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी को मिल सकता है फ्री हैंड। राबड़ी आवास पर तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद बड़ी सरगर्मी। बिहार के नए डीजीपी आरएस भट्टी को तेजस्वी यादव ने फ्री हैंड दे दिया है। दरअसल बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी का बिहार में पहले से इतिहास रहा। आरएस भट्टी लालू यादव के मुख्यमंत्रित्व काल में अपनी अहम भूमिका निभा चुके हैं। अलीगढ़ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव के साथ बैठक कर सकते हैं। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र सरकार लगातार समीक्षा कर रही है, साथ ही कोरोना बचाव को लेकर विविध प्रकार की तैयारियों को पूरा किया जा रहा है। अब इसी को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव भी जुड़ सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मीटिंग में कोरोना के नए वेरियंट से लड़ने के लिए नया प्लान बनाने पर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही नई गाइडलाइंस भी जारी होगी।